हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाले हैं, क्योंकि बैग हाउस में लगने वाले आरएबी मोटर के पास जो ZSS सेंसर होता है, आज हम इस वीडियो में ZSS सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं कि ZSS सेंसर का क्या कार्य होता है, आखिर बैग हाउस के आरएबी मोटर जो होता है उसमें ZSS सेंसर क्यों लगाया जाता है, ZSS सेंसर का कनेक्शन कैसे होता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ZSS सेंसर क्या होता है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं, उसका कनेक्शन कैसे होता है और उसका यूज कहाँ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, इसे हम ZSS सेंसर के नाम से जानते हैं। ZSS सेंसर कुछ इस तरह का होता है, दिखने में आपको इस तरह का दिखता है। और इसका जो कार्य होता है, यहाँ पे जो आपको आरएबी मोटर दिख रहा है, आरएबी मोटर के ये वाला जो हिस्सा है इसी में लगा होता है। और जब ये आरएबी मोटर घूमता है तो ये कितने चक्कर घूम रहा है, इसको क्या करता है, ये ZSS सेंसर सेंस करता है। और सेंस करके क्या करता है, ये PLC को सिग्नल देता है। और PLC को जैसे सिग्नल देगा तो PLC में कितना ये चक्कर घूमा है वो पूरा पता चल जाता है, ठीक है। अब ZSS सेंसर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब कनेक्शन कैसे करेंगे, ZSS सेंसर का कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए कनेक्शन के बारे में भी हम जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे हाथ में ZSS सेंसर है और इसके तीन टर्मिनल आपको दिख रहे हैं। तीनों टर्मिनल के जो कलर है, वो पहला जो कलर आपको दिख रहा है वो है ब्लू, और दूसरा जो कलर दिख रहा है वो ब्राउन है, और ये वाला जो कलर है वो ब्लैक है। यानी पहला ब्लू है, दूसरा आपका ब्राउन है, और तीसरा जो है वो ब्लैक है। अब हम इसको हम कैसे जोड़ेंगे, PLC पैनल में हम इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए, जो ब्राउन कलर है, जो बीच वाला ये जो कलर ब्राउन है, इसको हम 24 वोल्ट DC सप्लाई देंगे। इसके बाद इसमें जो ये वाला जो ब्लू है, इसमें हम 0 वोल्ट से जोड़ेंगे, यानी ब्राउन जो कलर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और जो आपका ब्लू कलर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। और यहाँ जो ब्लैक टर्मिनल आपको दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं, PLC को जो सिग्नल यहाँ से मिलेगा उसके लिए हम ये वायर है, एक तीसरा जो वायर है ये ब्लैक कलर का, तो इसी ब्लैक कलर से PLC को सिग्नल मिलता है, तो ये PLC के लिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ये आपका ZSS सेंसर है इसको हम जोड़ते हैं। ZSS सेंसर कुछ इस तरह का होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे ये वाला जो हिस्सा है, इसमें आपको लाइट जलती हुई दिखेगी। जैसे ही ये वाला जो हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है, जैसे इसके आगे कोई भी चीज अगर आएगी तो क्या करेगा, यहाँ पे ब्लिंक करता है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो ZSS सेंसर है ये काम कर रहा है। अगर इसके फेस से अगर कोई भी, मान लीजिए आप टेस्टर ही आप घुमाते हो, तो अगर ये अच्छा रहेगा, काम करेगा प्रॉपरली, तो पीछे जो ये आपको इंडिकेटर दिख रहा है ये ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, इसमें लाइट जलेगा। अगर लाइट जलती है तो समझ जाइए कि जो ZSS सेंसर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यदि ब्लिंक नहीं कर रहा है तो ये समझ जाइए कि ZSS सेंसर क्या है, ख़राब है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि ZSS सेंसर में कितने टर्मिनल होते हैं और इसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। तो ब्लू को हम क्या करते हैं, 0 वोल्ट से जोड़ते हैं, और ब्राउन को हम जोड़ते हैं 24 वोल्ट से, और जो ब्लैक है इसको हम जो आपका PLC पैनल होता है उसमें हम सिग्नल देने के लिए जोड़ते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ZSS सेंसर के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ZSS सेंसर का कनेक्शन कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं।
यहाँ जो जेडएसएन सेंसर का यूज हुआ है ये बैग हाउस के आरएबी मोटर के लिए यूज हुआ है। वैसे भी जेडएसएन सेंसर का यूज बहुत सारे जगहों पे होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।